सो क्वेश्चन इज लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस माइनस टू द होल रेस टू 6. सो आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप कौन सा मेथड यूज करने वाले हो. तो मैंने आपको हिंट दिया था, दैट हिंट इज इफ एस प्लस और माइनस ए रेस टू एन, अगर ये फैक्टर आता है देन आपको यूज करना है रिवर्स ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग, रिवर्स ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग. लेकिन आप जब भी रिवर्स ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करोगे तभी आपका जो फैक्टर वो सेम होना चाहिए. अगर यहां पे s माइनस टू है तो न्यूमरेटर में भी s माइनस टू होना चाहिए, तभी आप लोग फर्स्ट शिफ्टिंग रिवर्स यूज कर सकते हैं. कोई एक जगह पे आप लोग रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, तो मुझे न्यूमरेटर में भी सेम फैक्टर अरेंज करना है जो डिनोमेटर में है. तो हम लोग उसको अरेंज करेंगे. तो अरेंज कैसे करेंगे, लैपलास इनवर्स ऑफ डिनोमिनेटर है एस माइनस टू द होल रेस टू 6 है, न्यूमरेटर में एस है, तो आपको अरेंज करना है माइनस टू. इसलिए पहले माइनस टू करेंगे. लेकिन सिर्फ माइनस टू क्या, तो इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाता है, इक्वेशन चेंज हो जाता है. तो उसको बैलेंस करने के लिए प्लस टू भी करेंगे, जिससे क्या होगा माइनस टू प्लस टू कट होकर जीरो ही बचता है. तो ओरिजिनल इक्वेशन को कुछ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मुझे अरेंजमेंट में एस माइनस टू की रिक्वायरमेंट है और मैं उसको ब्रैकेट भी डाल देता हूं. ओके, अभी दोनों जगह पे सेम आ गया एस माइनस टू एस माइनस टू. तो आप लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे एस माइनस टू की जगह पे एस करेंगे, एस माइनस टू की जगह पे रिप्लेस करेंगे एस. तो कुछ इक्वेशन ऐसा बनेगा, लैपलास इनवर्स ऑफ ये एस माइनस टू है, वहां पे आएगा एस प्लस टू अपॉन एस माइनस टू की जगह पे आएगा एस रेस टू 6. तो अभी ये एस माइनस टू की जगह पे एस लिखा तो कुछ तो चेंज होगा ना यहां पे, उसका कुछ तो चेंजेस आपको लिखना पड़ेगा. दैट चेंजेस इज फर्स्ट शिफ्टिंग रिवर्स होता है, मतलब आप इनटू में मल्टीप्लाई में बाहर लैपलास इनवर्स से बाहर आप एक्सपोनेंशियल टर्म लोगे. वो एक्सपोनेंशियल टर्म क्या होगा, यहां पे माइनस टू है यहां पे प्लस टू टी हो गया, प्लस टू टी. ओके, अगर यहां पे प्लस टू होता तो माइनस टू टी, अगर आप शिफ्ट करते आप लोग तो ये हो गया. आपने क्या किया, ई रेस टू माइनस टू टी बाहर निकाला और अंदर क्या हो गया, एस माइनस टू की जगह पे एस आ गया. तो दिस इज कॉल्ड एज अ रिवर्स ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग. और एक बार ये हो गया तो अभी नॉर्मल ये इक्वेशन नॉर्मल हो गया, ई रेस टू टू टी एज इट इज. अभी ये एस प्लस टू अपॉन एस रेस टू 6 है, इसको करो सेपरेट. तो आप जैसे ही सेपरेट करोगे तो लैपलास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस रेस टू 6 ये एक फैक्टर आएगा, प्लस लैपलास इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एस रेस टू 6 ये एक फैक्टर आएगा, देन ई रेस टू 2t लैपलास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस रेस टू 6 कैंसिलेशन होगा, 1 पावर से कैंसिल होगा तो 1 अपॉन एस रेस टू 5 बचेगा, प्लस ये 2 कॉन्स्टेंट आपने बाहर लिया तो लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस रेस टू 6 बचेगा. एंड 1 अपॉन एस रेस टू 5 एंड 1 अपॉन एस रेस टू 6 इसके लिए आप फॉर्मूला नंबर 8 यूज करोगे. ये नंबर इंटीजर नंबर है तो इसके लिए आप ये n माइनस 1 फैक्टर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो एज पर द फॉर्मूला ई रेस टू 2t, अभी आप लोग ये लैपलास इनवर्स हटा दो, सिंबॉल निकल जाएगा क्योंकि आंसर यूज कर रहा हूं मैं, दैट आंसर इज t रेस टू n माइनस 1 t रेस टू, यहां पे n 5 है, 5 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू, यहां पे 1 अपॉन एस रेस टू 6 है, n का वैल्यू 6 है, तो t रेस टू 6 माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 1 फैक्टोरियल. ओके, तो यहां पे फाइनल आंसर आप ऐसा लिखोगे, ई रेस टू 2t टी रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर इज 24. तो 24 आएगा, प्लस 2 इंटू टी रेस टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर होगा 120. आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हो. सो ये हो गया 120, लेकिन ये कैंसिल होगा, 2 1 2 2 60, तो t रेस टू 5/60. दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर है?